हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम नमस्कार। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम मस्त हैं और भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप लोग भी मस्त रहिए और खुश रहिए। दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद फिर ब्लॉग बना रहे हैं और कई दिन के बाद धूप निकला है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है यहाँ पर। और आज 20 जनवरी है, कृति का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटी। और यहाँ से देखिए क्या किया है। ये देखिए, ये क्या किया जी? मतलब सीएल लगा था तो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, वही लगा दिए तो इसका ही कलर हो गया। तो छोटा मोटा फंक्शन शाम को होगा, कृति का बर्थडे का जो भी होगा। तो तब तक चलते हैं खिचड़ी दुकान पे। बड़ी भैया का दुकान है, उसको हम कहीं और शिफ्ट कर दिए हैं। सैलून का दुकान है, आप लोग को पता है, और ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिए हैं। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप लोग को हम सब बताएंगे। कृति परी बेटी है। दृष्टि कहाँ है जी? वो गई है घर पर। घर पर चली गई है। घर पर तो घर पे है ना, है हम लोग। और ये देखिए दोस्तों, दृष्टि संतरा खा रही है। तो दोस्तों, निकल गए हैं खिचड़ी के लिए, साइकिल से ही जा रहे हैं, बाइक नहीं है। तो दोस्तों, खिचड़ी तीन मुहानी पे आ गए हैं। ये सीधे बलिया जाता है और इधर सिकंदरपुर जाता है और इधर मनियर जाता है। तो मनियर रोड में ही है जहाँ पुरानी दुकान थी, वहाँ पे चलते हैं। देखिए, इधर ही था, गली में ही था। देखिए देखिए, पहला रूम ये है, दूसरा रूम ये, तीसरा रूम और ये चौथा रूम। इसी में भैया का सैलून था। और फिर इधर एक सीढ़ी है, सीढ़ी के बाद एक ये पांचवा रूम है, इसमें ब्यूटी पार्लर था। देखिए, इस रूम का ताला मारा गया है और ये रूम खुला है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखिए खुला हुआ है। इस रूम को हम लोग रिपेयरिंग करवाए, जो होल हुआ था, जितना ख़राब हुआ था उसको बनवाए हम अपने पैसा से। रूम मालिक बोले कि इसको सही करवाइए आप लोग, तो दोनों रूम को सही करवाए, इसको पुट्टी मरवाए, उसके बाद डिस्टेम्पर लगवाए। तो दोनों रूम को हम लोग अपने पैसा से, अपने खर्चा से इसको सही करवाए। तो दोस्तों, ब्यूटी पार्लर को इसलिए बंद कर दिए कि ये चल नहीं रहा था, 8-9 महीना हो गया था, रूम भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा था। एक तो आड़ा था और ऊपर से ज़्यादा भाड़ा था, इसलिए सोचे कि ब्यूटी पार्लर को बंद कर देते हैं। और ब्यूटी पार्लर का जितना सामान है, सारा सामान घर पे चला गया है। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं नई दुकान पे जहाँ पे हमारा सैलून है। वो फरन पे है, उसका भाड़ा 1100 रुपया है और ये आड़ा में है, आड़ा है गली में है, तो इसका भाड़ा 2000 रुपया था और ब्यूटी पार्लर का 1500 रुपया था। तो दोनों मिलाकर 3500 रुपया हो जा रहा था। तो दिमाग ख़राब हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा हो जा रहा था। तो इसीलिए सोचे कि चलिए ब्यूटी पार्लर को बंद कर देते हैं और जो हमारा सैलून है उसको हम लोग फरन पे लेके चले गए हैं। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए उस दुकान पे चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 मीटर दूर है। देखिए, इधर जाना है, आगे जाना है, आगे यहाँ से देखिए, पीछे देखिए, आगे जाना है। मनियर रोड में है, देखिए गुडलक टेलर है, इसी के साइड में है। देखिए बिल्कुल फ्रंट पे है रोड पे, देखिए लुक चेंज मेंस पार्लर हेयर कटिंग। देखिए ये सामने वाला है जो लुक चेंज, जो स्टूल दिखाई दे रहा है, ये रूम है। रूम बंद है, भैया कहीं गए हैं लग रहा है बंद करके। तब का हलवा ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का लोकेशन देखिए, हमारा बोर्ड लगा हुआ है, लुक चेंज हेयर कटिंग सैलून। देखिए आज शनिवार है, भैया बंद करके कहीं गए हैं। देखिए यहाँ का लोकेशन दिखा रहे हैं, देखिए रोड पे है।
देखिए यहाँ का लोकेशन, देखिए आगे भी दुकान है और यहाँ पे बन रहा है कटरा नया नया। देखिए ये मनियर जाता है और ये तीन मोहानी पे जाता है, खेजड़ी तीन मोहानी। तो यहीं पर दुकान है हमारा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर आइएगा। रुकिए, भैया को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं उनको और दुकान को खुलवाते हैं, उसके बाद आप लोग हम दिखाते हैं। तो दोस्तों भैया के पास फ़ोन किए थे, भैया बलिया चले गए हैं, आज शनिवार है, दुकान बहुत कम चलता है, तो गए हैं बलिया। उनका मोबाइल का बैटरी चल नहीं रहा है, तो मोबाइल का बैटरी चेंज करवाने गए हैं बलिया, फ़ोन किए थे हम। तो चलिए कोई नहीं, बाद में आप लोग को दिखा देंगे। देखिए सामने वाला है कटरा, जो ये सामने वाला है साइड में बिल्कुल, ये वाला यही है, ठीक है। हमारे दुकान के साइड में किराना दुकान है, किराना दुकान, और इसी के साइड में है सिलाई का दुकान, गुडलक टेलर दिल्लू भाई। यहाँ पर आकर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिजाइन और कोई भी कपड़ा यहाँ पर सिला जाता है। देखिए कारीगर हैं, और ये हैं हमारे दिल्लू भाई। ये हमारे दिल्लू भैया बहुत मस्त और दिलदार आदमी है, और आप लोग यहाँ पे आके कोई भी कपड़ा, कोई भी डिजाइन स्टाइल सिलवा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट करिए, मनियर रोड में है गुडलक टेलर, ठीक है, और बहुत चलती है, बहुत नामी दुकान है, बहुत सालों से भैया। अरे एक बार बोल दीजिए अपना जो भी बोलना है। देखा था तो कहा से घूमे बैठती है तरफ डाई डाई, ऐसी बात है भाई, सब अच्छे कारीगर हैं। ये भी बहुत मस्त टेलर हैं। तो दोस्तों घर के लिए निकल गए हैं, तो चलिए चलते हैं घर पे। तो दोस्तों घर पे आ गए, तो छोटे भी आके खिला दिए हैं और बाकी सब सामान ला दिए हैं। हम और पिताजी जा रहे हैं मार्केट, बहरी मछली लाना है और जलेबी। ये देखिए केक ला दिए हैं और खुलौना है, टोपी है, ये नमकीन है, और ये केक है। तो ये सब ला दिए हैं। ये देखिए पिताजी माता जी सीरियल देख रहे हैं। चलिए चलते हैं बहरी, बाइक से चलते हैं। दोस्तों बहरी आ गए हैं, चलिए जलेबी का ऑर्डर दे देते हैं, गर्मा गर्म जलेबी छाना जा रहा है। तो दोस्तों जलेबी का ऑर्डर हो गया, तो चलिए चलते हैं मार्केट में। ये है बहरी मार्केट, ये साग सब्जी का बाज़ार है, हम लोग लेना है मछली, तो चलिए चलते हैं मछली की ओर। और ये है मछली मार्केट, देखिए मछली ही मछली है इधर। इधर है पिताजी, रेट पूछ रहे हैं। ये देखिए पिताजी मछली को तोलवा रहे हैं, मछली को ले लिए हैं, इसको कटवा रहे हैं, मछली ले लिए। चलिए एक केजी प्याज ले लेते हैं, एक केजी प्याज ले लिए। तो दोस्तों जो लेना था ले लिए, साग सब्जी घर पे है। तो दोस्तों चलिए जलेबी को ले लेते हैं, देखिए पिताजी जलेबी खा रहे हैं। दोस्तों ये धोई का जलेबी है, बहुत चर्चित दुकान है ये बहरी का। दोस्तों जलेबी को ले लिए, दो केजी लिए, दवा लेना है, तो चलिए दवा के दुकान पर चलते हैं। देखिए राजेश होमियो केंद्र, यहीं से दवा लेना है, अंदर है थोड़ा। ये है डॉक्टर साहब राजेश भैया, यहीं से दादी का दवा जाता है। बहुत अच्छा दवाई देते हैं, आप लोग आकर यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों दवा ले लिए, चलिए चलते हैं घर। देखिए मेन रोड पे है। तो दोस्तों घर आ गए, और देखिए शाम हो गया है और ठंड लग रहा है, ठंड लगना चालू हो गया है, गाड़ी पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। चलिए कार्यक्रम करते हैं कृति का बर्थडे का।
देखिए दोस्तों, जो सजाना था हम लोग सजा दिए हैं और हमारी कृति रेडी हो गई है। कृति कृति आओ इधर, रेडी हो गई हो? इधर हर्ष और इधर दृष्टि है। ये देखिए दोस्तों, सब रेडी हो गया है। कृति रेडी हो गई है और केक काटने के लिए रेडी है। साथ में हर्ष भी बैठा है और दृष्टि भी बैठी है। बड़े भैया अभी नहीं आए हैं, अभी बलिया हैं। तो फ़ोन किए थे हम लोग, तो बोल रहे थे कि आप लोग बर्थडे मना लीजिए, हमको आने में देर है। कृति 5 साल की हो गई है। छोटी भाभी जी आरती उतार रही हैं। माता जी है। फूको बेटा, काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कृति बेटा। केक कट गया और कृति का बर्थडे मन गया। और ये देखिए कृति का कितना गिफ्ट मिला है, ये कुरकुरा है और ये बिस्कुट है। हर्ष हाय बोलो, सबको बोलो हाय बोलो। कृति हाय बोलो। दृष्टि बोलो। छोटे भैया हैं यो, और ये अनूप है मेरा प्रिय मित्र। फाइट हो गई है, कुरकुरे के लिए झगड़ा हो गया है। देखिए चलाया जा रहा है, केक है, जलेबी है, नमकीन है। तो दोस्तों, भैया और अनूप देखिए केक खा रहे हैं और जलेबी है और नमकीन है। अनूप मेरा प्रिय मित्र है और लंगोटे यार है। मिलेगा ये बादाम सिर्फ। आज बहुत दिनों के बाद हम अनूप से मिलवा रहे हैं, कुछ बोल दो, बोलना है तो विवेक राज को सपोर्ट करिए आप लोग, यही कह सकते हैं और क्या कहेंगे। तो मेरा बहुत खास और प्रिय मित्र है मेरा, और हम लोग साथ में रहे हैं हमेशा। तो आज बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग में लिए हैं। बहुत मेहनत करता है और इसकी दुकान भी है जनसेवा केंद्र की। तो हम बाद में फिर ब्लॉग करेंगे, तब तक एंजॉय करते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े भैया भी आ गए। तो दोस्तों, हम लोग भोजन कर रहे हैं अनूप और हम, तो दोनों लोग साथी में खा रहे हैं एक ही थाली में, क्योंकि इसलिए बना रहे हैं वीडियो, भाई बार बार मौका नहीं मिलता है, कब कहाँ आदमी रहेगा, रिकॉर्ड हो गया ये हमेशा पड़ा रहेगा हमारे ब्लॉग में, यादगार रहेगा ना जी। तो चलिए खा लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, खाना पीना हो गया, सभी लोग खा पी करके अपने अपने बिस्तर में चले गए हैं। अनूप भी चला गया, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखिए टाइम 10:50 हो गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सबको दिल से प्रणाम, नमस्कार, आई लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।